हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आपके समक्ष कृतिका भाग दो कमलेश्वर द्वारा रचित चार्ज पंचम के नाक पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ का सार प्रस्तावना। प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहां की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत से संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक कटाने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार व्यंग प्रधान कहानी है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर हड़कंप। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थीं, वह सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पौंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगीं। यहां तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गईं। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की कायापलट होने लगी। जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाठ की नाक यकायक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाठ की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वह तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ये कैसे हो सकता है? चिंता बड़ी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने का लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसे सभी उतरे हुए चेहरे को देखा। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि इस लाठ का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुन सब हुक्मरानों ने एक दूसरे को की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि यह लाठ कब, कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी, पर कुछ पता ना चला। फिर हुक्कामों की सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। पत्थर की खोज। मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया कि परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद हताश लौटा। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति तैश में आ गए। बोले, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अपने किसी नेता की मूर्ति से नाक उतार ली जाए। सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजों को बंद करवा दिया गया। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यह सुन
कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दादा भाई नरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाके टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहां गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, सबके नाकों को नापा। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आजाद, बिस्मिल्ला, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाठों के का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां दिखाया और सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मूर्तिकार से ये बयान सुनकर सारे हुक्काम हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 से में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? मूर्तिकार की एक और सलाह। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहलाया, रोगन कर तैयार कर दिया गया। सिर्फ नाक ना होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुन सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग गई रही है। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ सुथरा कर ताजा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख ना जाए। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद ये कहते हुए दे दी गई और कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। सब अखबार खाली। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया और ना ही ऐसी कोई नौबत आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। यह था कमलेश्वर जी द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ का सार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।